अच्छा काम का कर दिया है हम लोग के पास, जीवन में कोई काम ही नहीं है, अच्छा चाहे पूरा दुनिया में अच्छा काम चल के पढ़ाई चल जाए, तैयारी कर लिया कौन से गोल अच्छी हो जाएगा हम लोग, कुछ नहीं हो सकता, सपने चूर हो चुके तो कोई मतलब ही नहीं सकता होगा। बहुत बड़ी चेन स्मोकर हाय गाइस, वेलकम बैक टू पैशनेट कल्पना। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। भोलेनाथ की कृपा से मैं यहाँ अपने घर में बहुत मज़े में हूँ, आप लोग भी अपने अपने घरों में मज़े में रहिएगा। आई होप सो आप अपने घर में बहुत मज़े में होंगे, अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। और गाइस, ये हम लखनऊ में हैं और ये पुरानी एक्चुअली वीडियो है जब हम लखनऊ गए थे अभी लास्ट मंथ, बट हम ये वीडियो शूट करके रखे थे, बट मैं भूल गई थी कि मेरे पास ये भी वीडियो शूट करके रखी है। तो अचानक आज मैंने देखा कि अरे ये सारी वीडियोस मेरे पास है, तो मैंने कहा चलो इसको भी मैं एडिट करके आपको दिखा देती हूँ। तो मैं अभी इसको एडिटिंग करके आप अपलोड कर दूँगी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपको दिखाना चाहा। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे पता नहीं चल रहा, बस मैं बोल रही हूँ। कहने का मतलब ये था कि पुराने वीडियो है लेकिन जब जागो तब सवेरा और जब देखो तब वो नया ही लगता है। तो वीडियो जब तक ना देखी गई हो तब तक वो पुरानी कैसे हो सकती है, तो बस वीडियो को आप देख लीजिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो बस ये चलिए देखिए और इन्जॉय कीजिए। और ये लखनऊ में हम लोग लखनऊ में प्लासियो मॉल है तो वहाँ का ये वीडियो है। तो बस हम लोग अब जा रहे हैं, घर से निकल चुके हैं मॉल की तरफ और ये शाम का टाइम है, 4:30 का और ठंडी का दिन था, तो हम लोग पूरा पहने हैं मतलब कि विंटर वियर जो भी है पहन के जा रहे हैं, ढक के जा रहे हैं और शाम में रात में और ठंडी पड़ जाएगी इसलिए। तो चलिए फिर पहुंचते हैं, फिर आपसे ढेर सारी बातें करते हैं और आपको दिखाते हैं। बंद है एक्सेलेटर, चालू ही नहीं। तो फिर जाने वाला बंद है तो क्या तो लिफ्ट से चलो। तो गाइज़ हम मॉल के अंदर आ गए हैं, अभी मॉल में हम ग्राउंड फ्लोर पे ही हैं और अब ऊपर जाने के फिराक में है। एक्चुअली एक्सीलेटर था वो जो बंद था एक तरफ से, तो हम दूसरी तरफ से जा रहे हैं, उधर से एक्सीलेटर पकड़ेंगे तब हम ऊपर वाले फ्लोर पे जाएंगे। तो देखिए चारों तरफ से मैंने मॉल का व्यू आपको दिखा दिया है, तो देखिए आप भी इंजॉय करिए। देखिए इधर का ये चल रहा है और जिधर से हम जा रहे थे उधर बंद है, तो हम दूसरी साइड जा रहे हैं उधर से ही जाएंगे ऊपर। तो देखते हैं ऊपर क्या क्या करते हैं, मतलब इतना रश। तो बस ये मैं पूछ रही थी, मैं कुछ बात कर रही थी बट इतना साउंड था वहाँ पे, इतना शोर था इसलिए मैंने म्यूट कर दिया और मैंने वॉइस ओवर कर दिया। बहुत साउंड था और बहुत रश भी था, इतनी भीड़ कि जैसे लग रहा था कि मॉल में नहीं आए कहीं मार्केट में, वो भेड़ बकरी वाले मार्केट में आ गए। इतनी भीड़ कुछ पूछिए मत, मतलब चारों तरफ बस लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे, हज़ारों की संख्या में लोग लग रहे थे, ऐसा फील हो रहा था। बहुत ज़्यादा रश था, मतलब लग नहीं रहा था किधर जाएँ क्या करें, इतनी भीड़ थी, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था। बट उसी में मैं कुछ बोल रही थी तो वो रिकॉर्ड हुआ था लेकिन उसके पीछे इतना साउंड था, पीछे बहुत अजीब सा शोर शराबा था, तो मैंने म्यूट कर दिया और वॉइस ओवर किया है। तो मैं ऐसे ही कुछ बोल रही थी कि क्या करें, इधर से नहीं उधर से जाते हैं, कुछ ऐसे ही कुछ बोल रही थी। मुझे अभी एक्चुअली क्लियर याद नहीं है कि मैं क्या बोल रही थी। तो बस ये था, फिर हम लोग ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं और मैं बहुत इरिटेट भी होने लगी थी, भीड़ साउंड मतलब इतना अजीब सा फील हो रहा था कि मुझे लग रहा था कहाँ से आ गए यार आज के दिन। और मैं ये कह रही थी कि आज के दिन नहीं आना था, आज का दिन इतना रश है यहाँ पे, जैसे मतलब मॉल तो एक्चुअली होते हैं मार्केट कि आपको पूरा एक कॉम्प्लेक्स होता है, सारी चीज़ें आपको एक जगह पर मिल जाती है, आपको मार्केट में भटकना नहीं पड़ता, बट यहाँ कोई भी कुछ भी खरीदने के पर्पज़ से तो बिल्कुल नहीं आया था। समझिए कि बस ऐसे ही टहलना घूमना खाना, और हम लोग सोचे थे थोड़ा सा कुछ एक दो सामान लेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे आएंगे, बच्चों को गेम वाले सेक्शन में छोड़ देंगे, बट होना ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था। इतना रश था कि मुझे बहुत घबराहट सी हो रही थी, जैसे लग रहा था मेरा बीपी बढ़ रहा है, इस टाइप का मुझे फील हो रहा था।
तो मैं बहुत इरिटेट हो रही थी और मैं कहती जल्दी चलो यहाँ से यार, क्यों चले आए हैं, बहुत भीड़ है, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, चारों तरफ लोग बिखरे हुए, डर लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए, कि हड़कंप मच जाता है। एक्चुअली ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत रश के दिनों में भीड़ भाड़ में मॉल्स में कोई ना कोई ऐसी घटना दुर्घटना होती है कि भागते हैं लोग। हम एक फ्लोर ऊपर आ गए हैं और वहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको कि एक फ्लोर तो ऊपर हम आ गए हैं और ये देखो ऊपर से कैसा नज़ारा लग रहा है, वाओ। और बीच में इतना प्यारा वो हिरन टाइप का बना हुआ था, लोहे का ही बना हुआ था, उसके ऊपर से पूरा लाइटिंग किया गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। नीचे डबल डबल था और ये एक फ्लोर ऊपर आ गए हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा था चारों तरफ से व्यू। ऊपर थोड़ी भीड़ कम थी, नीचे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ हम लोग को थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था। तुम लोग खड़े होकर एक दो फोटो भी क्लिक करा रहे थे और ऊपर से नीचे, पता है एक्चुअली जब भी मैं बहुत हाइट से देखती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, तो ज़्यादा हाइट पे तो भी नहीं आई थी, फिर भी मुझे अजीब सा लग रहा था खड़े थे तो, कि पता नहीं ऐसा होता है मेरे साथ जब मैं बहुत हाइट पे होती हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है मैं गिर जाऊँगी नीचे। तो बस यही हम लोग फ़ोटो क्लिक करा रहे थे और फिर अब आगे बढ़ रहे थे, अब इसके ऊपर वाले फ्लोर पर जाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कुछ खाते हैं। Happy New Year to all my YouTube family. All of you, YouTube family. हम सब लोग यहाँ पे आए हैं मॉल में। इस मॉल में है सिस्टर प्लासियो। यस, लखनऊ के प्लासियो मॉल में हम हैं और ये हम लोग के घर के बिल्कुल नियरेस्ट है, एक या दो किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम लोग इसमें हैं, आज न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या करते हैं। तो बस न्यू ईयर बोल दो, हैप्पी न्यू ईयर इसमें बोलो, हैप्पी न्यू ईयर बस ऐसे बोलते हैं, बोलो हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैप्पी न्यू ईयर गाइस, तो बोलो तुम्हारा कब करेंगे तुम लोग, हैप्पी न्यू ईयर। चलो शर्मा के चलो फिर। आयशु 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 सुनिए आयशु, तो गाइस बस अब इसके ऊपर वाले फ्लोर पे जा रहे हैं, बस ऊपर पहुंचते हैं फिर अब कुछ खाएंगे क्योंकि चल चल के बहुत थक गए हैं और अब मूड बिल्कुल ऑफ हो चुका है मेरा, इतना शोर कि मेरा दिमाग ख़राब है। मैंने बोला आप चलो इसके ऊपर चलते हैं और बस कुछ खाते हैं और यहाँ से घर जाते हैं, देखते हैं ऊपर क्या क्या है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें तो देखते हैं क्या खाते हैं और चल के बैठेंगे और खाएँगे, यहाँ से घर भागेंगे। मेरा मूड बहुत ऑफ है, बहुत भीड़ पता है, मेरा हेडेक भी हो रहा है, घबराहट भी हो रही है मुझे, तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे कुछ भी बिल्कुल। और इतनी गर्मी भी हो रही, इतनी मतलब ठंडी के मौसम में भीड़ की वजह से मुझे गर्मी भी लग रही थी। तो बस चलो फिर खाते हैं उसके बाद घर जाते हैं और बस हम ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए और यहाँ पे देखते हैं क्या खाते हैं, क्या है क्या नहीं है, और जो खाएंगे आपको भी खिलाएंगे। आइए आप भी अपना हमारे साथ खा लीजिएगा। तो चलो फिर ऑर्डर करते हैं और खाते हैं और खाने के टेबल पर आपसे मिलते हैं। तो हमने ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा और हॉट गार्लिक ब्रेड और कोल्ड ड्रिंक की बहुत सारी बॉटल्स, 5-6 बॉटल्स। तो अभी तो यही ऑर्डर है, तो एक एक मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा है और कुछ स्मॉल साइज़ भी हैं, तो कुछ स्मॉल साइज़ के भी हैं, कुछ मीडियम साइज़ के भी हैं, और हॉट गार्लिक ब्रेड भी है और कोल्ड ड्रिंक भी है अभी फ़िलहाल। उसके बाद देखते हैं, ठंडी में मुझे आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगता है, तो आइसक्रीम यहाँ खाएंगे या फिर बाहर खाते हैं क्या करते हैं, कुछ तो फिर यहाँ मीठा खाएंगे, देखते हैं क्या। वैसे भीड़ बहुत है, ऊपर भी इतनी भीड़ है कि सीट जल्दी नहीं मिल रही थी, बहुत टाइम के बाद हमें ये सीट मिली, बहुत मुश्किल से कुछ देर हम लोग यहाँ पर खड़े भी थे। चलिए फिर खाते हैं, आइए आप भी हमारे साथ खाइए। लो कोल्ड ड्रिंक, आपको इशारा कोल्ड ड्रिंक है, उनको पहले बर्गर खा, पहले कोल्ड ड्रिंक एक मैं ले रहा हूँ, आप लोग आपने लिया है। कोल्ड ड्रिंक क्या नहीं सबके लिए लाए हो क्या? कप वाली नहीं थी, क्या हो गया? कप वाली नहीं थी, इसने कप में निकाल के पीजिए, बॉटल नहीं। लो देखो गिरा ना कोल्ड ड्रिंक।
गाइज ये लोग बातें कर रहे हैं और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं बस नॉन स्टॉप खाती जा रही हूँ, क्योंकि जब मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत इरीटेट होती हूँ, तो मुझे भूख बहुत लगती है, तो अभी बस मैं खा रही हूँ कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ। मैं इन लोग से बातें भी नहीं कर रही हूँ और ये लोग अपने आप बातें कर रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस मैं एक पे खाई जा रही हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे पहले लगा मैं इससे भी ज़्यादा खाऊँगी, तो इसको खा के कुछ और ऑर्डर करूँगी। फिलहाल देखते हैं इसको ही खाते हैं, और आप भी आइए खा लीजिए हमारे साथ, और बहुत मज़ा आ रहा। और पता है ठंडी में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप कहीं भी कुछ भी खाओ वो जल्दी से हजम हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। और सेकंड थिंग ये भी है कि ठंडी में आपको खाने का मन करता है, आपको उलझन नहीं होती है, आप कहीं भी बैठो, चाहे भीड़ हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप खाने को बहुत इंजॉय करते हो। आप एसी में हो एसी में नहीं भी हो, फिर भी आप खाने को बहुत इंजॉय कर रहे हो, ठंडी का यही मतलब है। और गर्मी में आप एसी में भी बैठे हो फिर भी आप खा नहीं सकते हो, और ठंडी में आप जैसे भी बैठो जहाँ भी बैठो आपको खाने का बहुत मज़ा आता है, आप खाने को फुल इंजॉय करते हो। देखिए मैं इंजॉय कर रही हूँ, आप देख सकते हो मुझे, तो बस चलिए। और अब हमारा हो गया है, इसको डिनर ही समझ लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने रात को 10 बजे किया है, तो 9:30 तो हो ही रहेंगे आई थिंक, मैंने टाइम नहीं देखा, ऐसे ही आपको बता दिया 9:30 जो भी हो रहा होगा 10। और अब यहाँ से घर के लिए निकलना है, तो हम लोग बाहर आ चुके हैं, बाहर आप देख सकते हो कि मॉल के बाहर अभी हम आ चुके हैं, और हमने कोई शॉपिंग नहीं करी बहुत भीड़ की वजह से, बस निकल के आ गए हैं। और अब यहाँ पे गाड़ी का वेट कर रहे हैं, और बाहर बहुत ट्रैफिक है, रोड पर भी बहुत रश है, तो गाड़ी बहुत पीछे कहीं पार्क है, क्योंकि पार्किंग में तो लगाए हैं, क्योंकि गाड़ी हमको छोड़ के वापस चली गई थी, फिर वापस आने वाली है, तो रास्ते में कहीं फंस गई है। तो देखते हैं कितनी देर आती है, हम लोग बाहर खड़े हैं, उसके बाद फिर गाड़ी आ जाएगी, फिर बैठेंगे और घर निकल जाएंगे। बहुत थके भी हैं, बहुत थक गए हैं। क्या 1 किलोमीटर चला दिया ट्रैफिक है यहाँ पर, गाड़ी फाइनली आ रही। बोलो गुस्सो घुसे, ये लोग तो घुसे पहले, जल्दी करो पहले डाल, नहीं बंद कर सकते ना ये लोग घुसेंगे तब, तो हो गया पैर ऊपर करो। चलो बीच वाले उठाओ सीट, रुको यार जैकेट दब रही हो, चलो एसी चलाइए पीछे। तो गाइस फाइनली हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और घर की तरफ निकल रहे हैं। आप बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, पुरानी थी बट बहुत अच्छी लगी। आप भी इरिटेट में इतना मत होइएगा, पूरा वीडियो एंजॉय कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और हमको यहीं पे अब इजाज़त दीजिए, हम अपने घर पहुंच रहे हैं, आप भी अपने घर में सुखी रहिए, खुश रहिए, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए, लव यू गाइस, बाय बाय, हर हर महादेव, सी यू टुमारो। अब ज़रूर टुमारो आपसे मिलेंगे, इस बार झूठ का प्रॉमिस नहीं है, पक्का प्रॉमिस है। चलिए बाय बाय, लव यू।